हेलो दोस्तों, अपना स्वागत करता हूँ आज के एक नए वीडियो में। अगर आपका आधार कार्ड का फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है, आपने अप टू डेट भी करवा लिया आधार सेंटर जाके, फिर भी दोस्तों ऐसे में आपका जो फिंगरप्रिंट है वो नहीं ले रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा, यहाँ पे सोल्यूशन दूंगा कि दोस्तों जो आपका फिंगरप्रिंट का जो प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो आधार अप टू डेट कराने के बाद भी, यहाँ पे फिंगर अप टू डेट कराने के बाद भी यहाँ पे जो आपका दोस्तों फिंगर वर्क नहीं कर रहा है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कि दोस्तों किस तरह से इस प्रॉब्लम से आप दोस्तों छुटकारा पा सकते हैं और इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल का जो है दोस्तों यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी को टाइप करना है माय आधार। जैसे आप यहाँ पे माय आधार लिख के सर्च कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाता है, जो कि आपको फर्स्ट में एक मिल जाता है माय आधार UID का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको मिल जाता है माय आधार। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ एक नया इंटरफेस खुल के आ जाता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे वेलकम टू माय आधार का और यहाँ पे एक फिंगर का आपको थंब दिख रहा होगा और यहाँ पे लॉगिन का भी ऑप्शन आता है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ डिटेल्स अपना जो अप टू डेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि दोस्तों जो भी आपका जो फिंगर प्रॉब्लम है उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। बार बार यहाँ पे आप अप टू डेट करा रहे हैं आधार सेंटर में, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई भी समस्या निकल के नहीं आ रहा है और बहुत दिनों से परेशान है। तो दोस्तों यहाँ से आप जो अपना जो प्रॉब्लम है उसे ठीक कर सकते हैं। तो नीचे कोर आना है, तो नीचे कोर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं जो आधार कार्ड से रिलेटेड हैं। दोस्तों यहाँ पे नीचे कोर आते हैं स्क्रॉल डाउन करके, तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आप सभी को दोस्तों, यहाँ पे आधार अनलॉक का। तो दोस्तों आप सभी को बता दो, जो आधार अनलॉक का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप जो अपना फिंगरप्रिंट है उसे अनलॉक कर सकते हैं। हो सकता है किसी दिन आपका दोस्तों यहाँ पे गलती से या फिर बाय मिस्टेक से दोस्तों आधार सेंटर द्वारा या फिर दोस्तों आप ही से यहाँ पे कुछ मिस्टेक से दोस्तों यहाँ पे आधार जो है वो लॉक हो चुका होगा, आपका जो बायोमेट्रिक है यानी दोस्तों फिंगरप्रिंट है वो। तो दोस्तों यहाँ से आप एक बार अपना जो है फिंगरप्रिंट को अनलॉक कीजिए, ताकि दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका फिंगर से प्रॉब्लम है वो दोस्तों यहाँ पे समस्या यहाँ पे सावधान हो जाए। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या है, बस आपको लॉक अनलॉक आधार पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका फिंगर को अनलॉक करने का प्रोसेस और लॉक करने का प्रोसेस दिया गया है। हालांकि आपको पता नहीं होगा तो दोस्तों आपका जो फिंगर है वो लॉक है कि अनलॉक है, तो दोस्तों यहाँ से एक बार आपको ट्राई कर लेना है, हो सके दोस्तों आपका जो फिंगर है वो वर्क करने लगे अगर आपका फिंगर प्रिंट यहाँ पे लॉक होगा तो। तो दोस्तों यहाँ पे जो सारे डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि किस तरह से दोस्तों यहाँ पे अपने फिंगर को लॉक और साथ में अनलॉक भी कर सकते हैं। अगर आपका फिंगर काम नहीं कर रहा तो एक बार आपको यहाँ पे जरूर आजमाएं, ताकि दोस्तों हो सके आपका फिंगर यहाँ पे लॉक होगा तो यहाँ पे अनलॉक हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, जो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लॉक और अनलॉक का। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, अगर आपका फिंगर जो है दोस्तों यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे नहीं ले रहा है डिवाइस में फिंगर आपका, तो यहाँ पे अनलॉक वाला पे टिक करना है। और टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो दोस्तों आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी होता है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों आपका आधार कार्ड होगा तो वर्चुअल आईडी आपको कुछ इस टाइप का होगा, जो बड़ा सा दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड आता है। कटिंग वाला में वर्चुअल आईडी आप सभी को देखने के लिए नहीं मिलता, जो फुल दोस्तों डाउनलोड किया हुआ रहता है, जो दोस्तों गवर्नमेंट भेजती है आपको दोस्तों एक लिफाफा जिसे आप कट करके रख लेते हैं, उस कटिंग वाला में आपको जो वर्चुअल आईडी है वो आप सभी को मिल जाता है, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है वर्चुअल आईडी, यहाँ पे आपको टिक करके दिखा दे रहा हूँ हाईलाइट करके। तो इस वर्चुअल आईडी को आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बॉक्स में जो कैप्चर मिल रहे हैं यहाँ पे लेटर और अंक में, जो भी लेटर में उसी लेटर में आपको कैप्चर को टाइप करना है। टाइप करने के बाद आप सभी को सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी को बता दूँ, सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका आधार कार्ड से जुड़ी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर में आपका ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप करने के लिए मांगेगा, तो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। और फिलअप करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका दोस्तों आधार कार्ड का जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो अनलॉक हो जाता है। और दोस्तों अगर
दोस्तों अनलॉक हो जाता है तो दोस्तों आपका जो फिंगरप्रिंट है वो वर्क करने लगता है यानी दोस्तों काम करने लगता है। तो दोस्तों इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट को अनलॉक कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है तो यहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब ये वर्क करता है, जब दोस्तों फिंगरप्रिंट लॉक होता है बाय मिस्टेक या फिर दोस्तों जानबूझ कर यहाँ पे अगर लॉक हो जाता है तो दोस्तों यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये भी ट्रिक यानी कि दोस्तों ये भी जो यहाँ पे जो सोल्यूशन बता रहा हूँ अगर ये भी वर्क नहीं करता है तो दोस्तों ऐसे में आप सभी को क्या करना है, तो ऐसे में दोस्तों आपको एक दोस्तों हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ जिसका आप नोट कर सकते हैं, जिसका नंबर है दोस्तों 1947 यानी दोस्तों 1947 पे आप डायल करके दोस्तों जो कस्टमर कर होते हैं उनसे आप बात करके दोस्तों वहाँ पे जो इस समस्या का समाधान भी निकाल सकते हैं। अगर ये मेथड अपनाने से आपका वर्क नहीं हो रहा है तो दोस्तों दूसरा मेथड यही है कि दोस्तों आप 1947 पे कॉल करके कस्टमर केयर से बात करें और वहाँ से आप जो आपका जो प्रॉब्लम है वो बता के अपना जो सोल्यूशन है दोस्तों वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यही दो तरीका है दोस्तों जो कि आप बार बार परेशान हो रहे फिंगरप्रिंट को लेकर अप टू डेट कराने के बाद भी दोस्तों अगर वर्क नहीं करता है आपका फिंगरप्रिंट, तो दोस्तों यही दो तरीका है, यही दो तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे जो दोस्तों अनलॉक का जो दोस्तों फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आपको जो वर्क नहीं कर रहा उसे आप सोल्यूशन यानी कि समाधान कर सकते हैं। तो यही दो तरीका है जिसे आप अपना सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं जब आप कस्टमर केयर से बात करेंगे तो दोस्तों वहां पे सारी डिटेल्स आपको बताए जाएंगे, आपसे कुछ डिटेल्स पूछे जाएंगे जो आपके आधार कार्ड से रिलेटेड है वो सारी जानकारी आपको देना होगा। देने के बाद दोस्तों वहां से जो भी प्रक्रिया होगा वो आपको बताएंगे क्या करना होगा, कैसे अनलॉक होगा, किस तरह से आपका बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा तो काम करेगा, तो दोस्तों वहां पे सारी जानकारी आपको दी जाएगी। और दोस्तों उसी जानकारी को लेकर आप दोस्तों अपना जो फिंगरप्रिंट का जो दोस्तों प्रॉब्लम है उसे आप ठीक कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है दोस्तों आप यहाँ पे खुद अपने मोबाइल फ़ोन से करके देखना है, उसके बाद भी नहीं होता है तो दोस्तों आप 1947 पे कॉल करके आप कस्टमर केयर से बात कर लेना है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर ले। इसी तरह से दोस्तों आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी लाते रहता हूं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।